Welcome you all in DSA 450 question series by Love Babbar and this is Sahil and we are going to discuss question number 25 जिसके अंदर क्या है कि आपका n by k से ज्यादा बार जो जो नंबर आ रहा है ना उन नंबरों को प्रिंट करना है अपन को, तो उसका कोड देखना है अपन को। अब सबसे पहले अपन लॉजिक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका कोड। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी गाइस, इसके अंदर क्या है, देखो n आपका साइज हो गया, तो ये टोटल इनकी साइज है n, एरे कितना है टोटल, और एक नंबर लेना है आपको, कोई भी मैं नंबर ले लिया, लेट सपोज 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके जो है ये एलिमेंट लाइक 1 या फिर 2 या फिर 3, इनको चेक करना है कि कितनी बार आए हैं, और अगर ये n बाई के तो इसकी वैल्यू क्या निकली 3 इस केस के अंदर, अगर इससे ज़्यादा है तो इसको सपोज करो x और आपका a ऑफ i, ठीक है, वो अगर इससे ज़्यादा है तब आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है वो। तो इसको करने की बहुत बहुत सारी अप्रोच है, अपन सबसे ईजिएस्ट अप्रोच सारी अप्रोच देखते चलो नंबर वाइज से, ठीक है। पहली अप्रोच क्या होगी, सिंपल अप्रोच, मैं एक फोर लूप चलाऊंगा i वाला, ठीक है, एक चलाऊंगा j वाला जो नेक्स्ट वाले पॉइंटर से करेगा, ठीक है। अब ये दिखेगा क्या ये इसके इक्वल है, ठीक है, 1 आ गया तो फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा काउंट को एक से इंक्रीमेंट कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा j, नहीं है, ऐसे करते करते यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है, काउंट चलता रहेगा, प्लस 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 चलता रहेगा, तो ये 1 के लिए हो जाएगा, फिर आएगा दूसरा लूप चलेगा, तो इस तरह से ये क्या करेगा, काउंट करके वैल्यू बता देगा कितने कितने टाइम आए, और फिर इस काउंट को अपन कंपेयर करा लेंगे इससे, कि अगर इस पर्टिकुलर, इधर काउंट करो, इस पर्टिकुलर का काउंट का वैल्यू अगर इस एक्स से ज़्यादा है तो उस वाले ए ओ फाई को प्रिंट करा दो, उस ए ओ फाई को प्रिंट करा दो जिसका काउंट एक्स से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस अप्रोच में क्या होगा, दो लूप चल रहे, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब ये तो बहुत ज़्यादा है यार, तो दूसरी अप्रोच बताओ सर, ये तो ख़राब है, इंटरवर बोल देगा आउट, आपका कोड तो अच्छा ही नहीं है, तो इसको अच्छा करते हैं चलो। तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, 1 1 1 1, ठीक है, फिर 2 2 2 2, देन 3 3 3 एंड 5 4, ठीक है, नहीं 4 5 सॉरी। अब इसमें ये क्या करेगा, ये थोड़ा अलग अप्रोच है, इसमें क्या करता है, ये प्रीवियस वाले को चेक करेगा कि मेरा प्रीवियस वाला इससे इक्वल है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, फिर आपका पॉइंटर अपडेट होगा, फिर ये देखेगा प्रीवियस वाले से इक्वल है तो काउंट कर दो, तो इस प्रकार से ये काउंट की वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 2 के केस में ये इक्वल नहीं होगा, तो ये वैल्यू आगे फाइनल में चल जाएगी और इस काउंट की वैल्यू दोबारा रीसेट हो जाएगी, फिर 2 के लिए काउंट होगा ये, तो इधर 4 आ जाएगा, इस केस में 5 आ जाएगा, इस केस में 3 आ जाएगा, फिर इन तीनों को चेक करेंगे अलग अलग कि काउंट की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो इस केस में और इस केस में, तो 1 और 2 आंसर इसमें आ जाएगा सॉर्टिंग के थ्रू। अब सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं तो एन लॉग लगनी है, तो एन लॉग एन आ गया इसका। अब बोलो सर ये तो यार अप्रोच अच्छी नहीं है, कि इससे तो अच्छी है बट हमें लॉग एन ही चाहिए, लॉग आए जब, लॉग एन वाली भी बता रहा हूँ सुन लो, फिर मत बोलना हमने नहीं बताया। सुनो गाइज, आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वाला आपने पढ़ा होगा, अगर आप सारी वीडियो देखते हुए आ रहे हो मेरी, तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अपन इसको करेंगे हैश मैप से, जिसमें 1 का वैल्यू कितना है, कितनी बार आया ये कंटेन करता है 5 टाइम, ठीक है, 2 का वैल्यू कितना है, 3 का कितना है और 4 का कितना है, ठीक है, ये कंटेन करता है, तो स्टार्टिंग में 1 होगा, फिर पॉइंटर आगे चलेगा सेम वैल्यू है तो ये अपडेट होकर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकल जाएगी 4, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 3। अब इन तीनों को कंपेयर कर लेगा, कैसे करता है, ये चेक करता है कि क्या मेरा 1 पहले ऑलरेडी हैश मैप में है, अगर है तो इंक्रीमेंट कर दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। इसी प्रकार 2 के केस में बोलेगा क्या 2 पहले से है, अगर है तो 2 वाले में इंक्रीमेंट कर दो काउंट, ऐसे 3 वाले में इंक्रीमेंट कर दो, तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर अपन x से कंपेयर करा लेंगे। तो इसमें क्या होता है, हैश मैप यूज करने से क्या होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन हो जाती है, और यही हम सबको चाहिए। तो बस अब मैं इसको, मैं पता है क्या है, अब मैं इसका कोड बताऊंगा आपको केवल, बाकी ये आप कर सकते हो आसानी से, मैं इसका बताऊंगा ताकि आप बिग ओ एन ही इंटरवर को बता के अपने अच्छे करियर की ओर बढ़ सकें। तो लेट्स सी द कोड। तो सबसे पहले हमने एरे को इनिशियलाइज कर लिया है, इसके बाद हमने इसकी लेंथ देखी, फिर फंक्शन को कॉल किया, इसके बाद x इक्वल टू n बाई n किया, हैश मैप यूज करा तो हैश मैप को इनिशियलाइज करा, उसके बाद एक लूप लगाया, उसके अंदर बोला अगर ये कंटेंट इसके अंदर नहीं है हैश मैप में तो इसको इसमें पुट कर दो, और अगर है तो एल्स में आप क्या करोगे, काउंट बनाओगे जिसके अंदर वो जो नंबर है जो ऑलरेडी है उसके अंदर, उसको गेट करोगे वहाँ से,
उसके बाद काउंट को प्लस करके उसमें पुट करोगे तो इससे काउंट अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर मैप एंट्री एक नाम से होता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन कहाँ तक, जो एरे की जो लिस्ट है ना, पूरे जितने भी सेट जितने भी एरे हैं उस वो जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर, तो उसके केस में एक अपन ले लेंगे इसमें टेम्प। ठीक है, और वहाँ से गेट की वैल्यू निकालते रहेंगे, जब जब टेम्प की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन हो जाएगी कैसे, तो अपन सिंपली वहाँ पर गेट की से वो काउंट की वैल्यू देख लेंगे कितनी आई है। ठीक है, यानी कि वो नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा कौन कौन से ऐसे हैं जिसकी मतलब एक्स से ज़्यादा वैल्यू निकल रही है। तो अब चेक कर लेते हैं इसको रन करके कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनकी वैल्यू एन बाई के से ज़्यादा आई। तो वन और टू ये दो ही नंबर है, दो ही एलिमेंट है जिनकी वैल्यू एन बाई के से ज़्यादा आई है। तो सिंपल था, आई थिंक बहुत ईजी था, अगर आपको मतलब ये लॉजिक समझ में आता है ना तो कोड करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, थोड़ा सा हिंट लगाना पड़ता है, बाकी खेल कदम। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, तो वीडियो में बने रहिए, सीरीज में जुड़े रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।